पांच राज्यों के एग्जिट पोल से भाजपा बम बम, कांग्रेस मायूस, पंजाब में नहीं चले चन्नी, केजरीवाल का दिख रहा जलवा। नमस्कार, आजाद सिपाही के खबर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। उत्तर प्रदेश में सातवें चरण का मतदान खत्म होने के साथ ही पांच राज्यों में विधानसभा का चुनाव संपन्न हो चुका है। अब पूरे देश की निगाहें 10 मार्च को आने वाले चुनाव परिणामों पर टिक गई है। हालांकि मतदान संपन्न होने के बाद विभिन्न एजेंसियों द्वारा जारी एग्जिट पोल के नतीजों पर गौर करने से पता चलता है कि देश में आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को कहीं से भी चुनौती नहीं मिल रही है, जबकि कांग्रेस के हाथ केवल मायूसी ही लगने वाली है। एग्जिट पोल के नतीजे बताते हैं कि यूपी, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में भाजपा एक बार फिर सत्ता में लौट रही है, जबकि पंजाब में कांग्रेस की कहानी खत्म हो रही है। वहां आम आदमी पार्टी की सरकार बनने की भविष्यवाणी की गई है। हालांकि बिहार और पश्चिम बंगाल के चुनाव में एग्जिट पोल के नतीजों और वास्तविक नतीजों में जमीन आसमान का अंतर था, लेकिन इस बार एजेंसियों ने अतिरिक्त सावधानी बरती है, इसलिए इस बार एग्जिट पोल के नतीजों पर भरोसा किए जाने की बात कही जा रही है। इन पांच राज्यों के चुनाव को 2024 के आम चुनाव का सेमीफाइनल कहा गया था, और यदि सकल परिणाम की बात करें तो भाजपा ने यह मुकाबला पूरी तरह से जीत लिया है। इन चुनाव को भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साख से भी जोड़कर देखा जा रहा था, तो अब यह साफ हो गया है कि मोदी आज भी देश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। दूसरी तरफ देश की राजनीति में वापसी की जद्दोजहद में जुटी कांग्रेस के हाथ से एक और राज्य का फिसलना साबित करता है कि उसके लिए वापसी कितनी कठिन है। पांच राज्यों के एग्जिट पोल के नतीजों का विश्लेषण करती आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राहुल सिंह की खास रिपोर्ट। देश के पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान संपन्न होने के बाद जारी एग्जिट पोल के नतीजों से साफ हो गया है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में आज भी ब्रांड मोदी का जलवा बरकरार है। एग्जिट पोल के नतीजे जहां भाजपा की सियासी धमक के बरकरार रहने की भविष्यवाणी कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस के हाथ से देश के सबसे समृद्ध राज्य पंजाब की सत्ता फिसलती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि वास्तविक नतीजे 10 मार्च को आएंगे, लेकिन इस बार एग्जिट पोल में एजेंसियों द्वारा बरती गई अतिरिक्त सतर्कता के कारण इनकी विश्वसनीयता पर संदेह करने का कोई खास कारण नहीं रह गया है। इसलिए पांच राज्यों के चुनाव के एग्जिट पोल जो कहानी कह रहे हैं उनसे साफ हो गया है कि फिलहाल भाजपा के विजय रथ को रोकने की ताकत किसी में नहीं है। इन पांच राज्यों के चुनाव को 2024 के आम चुनाव का सेमीफाइनल बताया जा रहा था। यदि इसे सचमुच सेमीफाइनल मान लिया जाए तो भाजपा ने इस मुकाबले को एक तरफा तरीके से जीत लिया है। इन पांच राज्यों के चुनाव में देश की 20% आबादी ने हिस्सा लिया। इस आबादी का राजनीतिक नजरिया क्या है यह तो 10 मार्च को पता चलेगा, लेकिन फिलहाल एग्जिट पोल की भविष्यवाणियों का विश्लेषण भी कम रोचक नहीं है। सबसे पहले बात यूपी की, जहां 403 सदस्यीय विधानसभा के लिए 7 चरणों में चुनाव हुए। योगी आदित्यनाथ के चेहरे को सामने कर भाजपा ने चुनाव लड़ा और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने उसे चुनौती दी। एग्जिट पोल के नतीजे बताते हैं कि यूपी में योगी की वापसी हो रही है। हालांकि अखिलेश ने 2017 के मुकाबले अपनी स्थिति सुधारी है। यूपी में यदि वास्तविक परिणाम एग्जिट पोल के अनुरूप आए तो फिर भाजपा 2024 के लिए अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने में जुट जाएगी, क्योंकि तब यह साफ हो जाएगा कि भाजपा 3 कृषि कानूनों को निरस्त कर पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में किसानों की नाराजगी को बेअसर करने में कामयाब हुई है। सतही तौर पर देखने से तो यही लगता है कि इन पांच राज्यों का चुनाव केवल किसान आंदोलन जैसे मुद्दे पर केंद्रित थे, लेकिन थोड़ी गहराई में जाने से हकीकत समझ में आती है कि इन चुनाव में इसके अलावा भी बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ था। इन चुनाव की सबसे खास बात यह है कि इनमें उस हथियार की अग्नि परीक्षा हुई जो दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी का सबसे ताकतवर हथियार है। इस हथियार का नाम है ब्रांड मोदी, जिसके सहारे भाजपा 2024 के बाद से सियासी कामयाबी की कई इबारतें लिख चुकी है। भाजपा के लिए सबसे उत्साहजनक बात यह है कि एग्जिट पोल उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में उसकी वापसी की भविष्यवाणी कर रहे हैं। उत्तराखंड में भाजपा के सामने सत्ता बचाने की कड़ी चुनौती थी, क्योंकि एक साल के भीतर 3 बार मुख्यमंत्री बदलने के कारण उस पर राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने के आरोप लगाए जा रहे थे। इस चुनौती को पार्टी ने पार कर लिया है तो अब उसके सामने कोई खतरा नहीं होना चाहिए। उधर गोवा में तृणमूल कांग्रेस नेता ममता बनर्जी ने जिस तामझाम से अपनी पार्टी को लॉन्च किया था और सत्ता के लिए दावेदारी पेश की थी वह हवा हवाई होती दिख रही है। भाजपा के लिए यह भी सुकून का विषय है कि संयुक्त किसान मोर्चा की भाजपा विरोध की अपील के बावजूद भगवा पार्टी और ब्रांड मोदी गांवों में स्थापित हो गया है। शुरुआती दौर में कहा जा रहा था कि भाजपा के खिलाफ माहौल है, लेकिन पार्टी के चाणक्य अमित शाह के सीधे हस्तक्षेप के बाद
राजनीतिक परिदृश्य तेजी से बदला और परिणाम सामने है। जहां तक कांग्रेस का सवाल है तो पंजाब की सत्ता का उसके हाथ से फिसलना संकेत करता है कि देश की राजनीति में उसकी हैसियत लगातार कम हो रही है। प्रियंका गांधी की जी तोड़ मेहनत और पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी के रूप में दलित कार्ड खेलने के बावजूद कांग्रेस पर अब न किसानों को भरोसा रहा और न आम लोगों का। देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी का यह पराभव देश की राजनीति में क्या गुल खिलाएगा, यह देखना दिलचस्प होगा। कुल मिलाकर 5 राज्यों का एग्जिट पोल, जहां 2024 के आम चुनावों में भाजपा के सबसे मजबूत हथियार को आजमाने की गारंटी की भविष्यवाणी कर रहा है, वहीं इसने कांग्रेस को आत्ममंथन करने और गांधी नेहरू परिवार की छाया से बाहर निकलने की चेतावनी भी दी है। एग्जिट पोल के अनुसार भाजपा के लिए ये चुनाव जहां उसकी नीतियों पर मुहर है, वहीं विपक्ष के लिए यह उनके राजनीतिक जीवन का सवाल है। आज के खबर विशेष में बस इतना ही। देश विदेश की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।